हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग करने वाले हैं काइनेमैटिक्स में टू डायमेंशनल वाले जो प्रॉब्लम थे, टू डी मोशन था, उस टू डी मोशन पे 31 ईयर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब पूरा देख लोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे, आपको ये बात पता चलेगा यार कि बहुत सारे क्वेश्चन तो सिमिलर थे। ठीक है, तो उस सिमिलरिटी से हम एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये 2019 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये 2019 में आया था। कहता है कि एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और इस टाइप से मोशन कर रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और उसका जो रेडियस वेक्टर है वो 3 मीटर है, और जो टाइम पीरियड है एक साइकिल में जो टाइम लगेगा वो 4 सेकेंड है, और जो मोशन है वहाँ पी पॉइंट से स्टार्ट हुआ। दिस इज द पॉइंट पी, ये एक स्पेशल पॉइंट है, दैट इज पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उसमें से कहता है वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर रोटिंग, वाई का प्रोजेक्शन निकालना, वाई का प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, y projection of the radius vector of rotating particle t time बाद, देखो t time बाद y का, ठीक है, y actually जब particle motion करेगा, तो देखो जब particle motion करेगा तो तुम देख रहे हो x भी vary करेगा, y भी vary करेगा। ठीक है, तो t time बाद y जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसका एक इक्वेशन निकालना है यार कुल मिला के। ठीक है, अब इसको आप SHM लास्ट जो यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ रहेगा, लेट अस कंसीडर टी टाइम बाद पार्टिकल अपना यहाँ पे आ गया, टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ है, और यहाँ x और y उसका कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से यहाँ तक टाइम टी बीत चुका है, और ये जो एंगल ट्रेस कर चुका है वो है थीटा। थीटा यहाँ से मेजरमेंट होगा वर्टिकल से, इस टाइप से। ठीक है, तो हमें वाई चाहिए यार, तो ये जो वाई है वो कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा। ठीक है ना, आर कॉस थीटा, अगर ये वाई की वैल्यू आर कॉस थीटा आ जाएगी, तो आर जो है वो 3 है, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर्कुलर मोशन में, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी, क्लियर है। चलो, तो टाइम पीरियड दिया है ना 4 सेकेंड, तो 2 पाई और 4 यहाँ डाल दूँ और स्मॉल टी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पाई बाई 2 और टी कुल मिला के उसको वहाँ डाल दोगे, तो इक्वेशन बनेगा 3 cos pi t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेकिन अगर इसको तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन से करना चाहते हो अभी, ठीक है, जो लास्ट यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल इस टाइप से सर्कल में चलता है और मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, इस सर्कुलर मोशन को अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, इसका वाई डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टाइप का ग्राफ आता है, और ये जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड जो है वो रेडियस होता है। ठीक है, और इसका इक्वेशन हमें रटा रटाया है, याद है, जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, बात वही है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, वो ये उसी से आया है यार। ठीक है, बट ये कि इसको ग्राफिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दे, और ए की वैल्यू यहाँ 3 है, और कॉस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पाई टी रख के इसको सॉल्व कर लो 2, इस तरह से भी इसको कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको